शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये क्या किया आप लोगों ने? और मम्मी, आप अपने ही बेटे को अगवा करवा लिया, और तुमने बहुत गलत किया है। और आप जो करने जा रहे थे वो सही था? कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे आप रोशनी के साथ भाग के? आपको पता है जब इस बारे में मुझे पता चला तो मेरी क्या हालत? मतलब घर वालों की क्या हालत हो गई थी, सब कितना परेशान हो गए थे। तुम्हें क्या है? मेरी मर्जी, मुझे शादी करनी है। मैं कोर्ट में करूं या घर में करूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम उसको छोड़ो, हमसे बात करो। हमारे सर पे बैठकर नाचने लगे थे कि 2 दिन में शादी है। 2 दिन का समय दिया था हमको, हम सुबह से इतना सारा मंडप सजा रहे और तुम अकेले चले गए शादी करने के लिए। बुआ जी, वो मुझे खुद नहीं पता था, रोशनी अचानक से मुझे वहाँ ले गई थी। तुम्हारी बनी नहीं है, उससे पहले तुम उसके गुलाम बन गए। ये तुम्हारी माँ जो अपने इकलौते बेटे की शादी की इतनी तैयारियां कर रही है, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी हमारा हो गया। अरे, एक माँ का सपना होता है अपने बेटे को सेहरा पहनाने का, अपनी बहू का पूरी रीति रिवाज के साथ घर में स्वागत करने का। लेकिन नहीं, अगर रोशनी तुम्हें ले गई थी तो तुम तो उसे मना कर सकते थे ना अपनी माँ के लिए। जो रात को आपने रोशनी को इतना सुनाया, उसका क्या? हे भगवान, उस लड़की ने ये कह दिया कि हमने उसे खरी खोटी सुनाई, तो तुम हमारे खून होके तुमने ये बात मान ली। हे भगवान, अरे वो भी जब अभी तुम्हारी उससे शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी हो गई तो तुम तो अपनी माँ को हमेशा गलत ही समझोगे। ठीक है, ऐसे भी जी लेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हैं ना आंटी जी कितना रो रही हैं, कितने अरमान सजाए हैं उन्होंने, क्या क्या सोच रखा था उन्होंने। और आप कम से कम एक बार उनकी बात तो मान लीजिए, माँ है वो आपकी। अच्छा ठीक है यार, अब और ड्रामा नहीं सहन होगा मुझसे, शादी घर पर ही होगी। पर दूल्हा आ गया, दुल्हन कहाँ है? दुल्हन यही है। तुमने सही कहा श्रद्धा, दुल्हन यही है। ये इतनी जल्दी कैसे लौट गई? सोचो कुछ। चलिए, अब फैसला कर ही लिया है फेरे लेने का, तो देर किस बात की, शुरू करते। नमस्ते बहन जी। पंडित जी भी पहुंच गए। तो शादी की विधि आरंभ करते हैं चल के। अब पंडित जी, इतनी क्या जल्दी है, थोड़ी देर में शुरू करते हैं ना। हाँ हाँ, क्यों, जब दूल्हा दुल्हन यही खड़े हैं तो फिर किस बात का इंतजार करना है? हाँ सही तो कह रही है, और पंडित जी भी सही वक्त पे आ गए, तो शुरू करते हैं। अब तो खुश हो ना मम्मी? अब है? आओ चलो। अब पंडित जी, जल्दी से आप शादी की विधि शुरू कीजिए। हाँ जी यजमान।
ओम हरि ओम ओम आप पवित्र पवित्र वासा। रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों चाची जी, आप नहीं चाहती हैं कि अभय और रोशनी की शादी हो जाए? हाँ नहीं, मतलब मतलब कहने का मतलब है कि आंटी जी ये चाहती हैं कि पूरी शादी विधि विधान तौर तरीके के साथ हो, इसीलिए ये यही कहना चाहती है ना आप? हाँ और नहीं तो क्या। अरे इन्हें देखकर कौन कहेगा कि ये दूल्हा है और ये दुल्हन है? ना इसने सेहरा पहना है, ना इसने शादी का जोड़ा पहना है, अरे खुद से सर पे चुन्नी भी नहीं ली है। चुन्नी कैसे लेगी, शगुन की चुन्नी तो इस पर चढ़ी ही नहीं थी। हाँ और घर में कोई है भी तो नहीं ना, आरती नहीं है, अंकल जी नहीं है और ताई जी भी तो नहीं है कीर्ति, तो बिना परिवार वालों के साथ शादी कैसे हो सकती है? अरे पता नहीं इन्हें कौन सी गाड़ी पकड़नी है जो शादी के लिए इतना भाग रहे। शादी बेटा एक बार होती है तो तौर तरीके से करनी चाहिए ना, है कि नहीं है ना? बेटा उठो उठो, अरे उठो तो बेटा, हमारा हमेशा से सपना था कि हम अपनी बहू को खुद अपने हाथों से सजाएं, तो आज तुम ही हमारा सपना पूरा करो, चल आ। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे अरे बेटा जरूरत क्यों नहीं है, जरूरत ही तो है। देखो रोशनी बेटा, शादी भले ही धूमधाम से ना हो रही हो लेकिन हमारी भाभी का सपना है कि वो तुम्हें दुल्हन की तरह सजाए। तुम अपनी होने वाली सासू माँ का इतना छोटा सा सपना पूरा नहीं करोगी क्या? हाँ, नहीं इसकी हाँ, जब वो इतने मन से कह रही है तो मान लो ना उनकी बात। चलो 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 आओ 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 आओ। हम जानते हैं कि दीदू ना चुप नहीं बैठेगी जब तक इस रोशनी को अब ऐसे दूर नहीं कर दी। अच्छा सबसे पहले ना तुम अच्छे से नहा धो लो। बुआ जी नहाना क्यों है, मैं नहा चुकी हूँ सुबह, आप बस मुझे तैयार कीजिए। बुआ जी क्या बोलना चाह रही है मम्मी जी को, ये रोशनी तो हमें ही घूरे जा रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, तैयार कीजिए ना चलिए। और वो शगुन की चुन्नी कहाँ है, वो भी पहनानी है ना आपको मुझे, वो कहाँ है मैं देखती हूँ खुद। बेटा तुम इतनी मेहनत काहे कर रही हो? हाँ हम लोग हैं ना, हम सब कर देंगे, तुम जाओ और तुम अपना मुंह धो लो, जाओ। मुंह धोने? अब मुंह क्यों धोना है, मैं तो धो चुकी हूँ ना, क्या हुआ? अरे तुम अपना मुंह कहाँ काला करवा के आई हो? हमारा मतलब था कि देखो ये काला कैसे हो गया, मुंह पे काला। अब इनके कहने का मतलब है कि ये देखो, आओ ये देखो तुम्हारे मुंह पे ये काला दाग लग गया है इसीलिए। अब ये कालज कैसे लग गई, पहले तो नहीं थी ना यहाँ पे? जाओ जाओ जाके धो लो। अरे ये तो चली गई लेकिन आगे क्या करना है, इसे मंडप में जाने से कैसे रोके? मेरा बस चले ना तो अभी के अभी से जमाल घोटा पिला दो, बाथरूम से बाहर निकल ही ना पाएंगे। एक मिनट, मेरा ना ऐसा वैसा कोई गलत मतलब नहीं था, मैंने बस कहने के लिए ऐसा कह दिया था। देखिए शादी रोकने के लिए हम ऐसा वैसा कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ हाँ नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे।
नहीं, हमें भी तो अपने भाभी होने का नेक पूरा करना है। रोकने तो नहीं देंगे इस शादी को हम दीदू, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। ये काला टीका तुम्हारी किस्मत का काला धब्बा बन जाएगा जब रोशनी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। यजमान, वर वधू को मंडप में बुलाया जाए। जी पंडित जी, लीजिए, आ गया दूल्हा। शादी से अभी भी वक्त है, सोच ले बेटा। ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हूँ। पवित्र पवित्र वासरवावस्थांग दो व्यायास स्मृत पुंडरी का छह सवाब जानतर सुजी ओम पुनात पुंडरी का छह पुनातु। ये दुल्हन कहाँ रह गई? लीजिए, आ गई दुल्हन। वरवधू को वरमाला दीजिए। मेरे चेहरे का क्या हाल बना दिया इन लोगों ने, अपनी ही शादी में मुंह छुपाना पड़ रहा है मुझे। कहीं कुछ नकली तो नहीं मिला दिया था शरबत में? मुझे कैसे टकाटक चल के मंडप पर पहुंच गई है? विधि भी शुरू होने वाली है और कितना आराम से बैठी हुई है। नहीं नहीं भाभी, हमने शुद्ध सही वाली मिलाई थी, कोई गड़बड़ नहीं की हमने। अरे पर कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है? सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार साध के परंडे त्रयंबके के गौरी नारायणी नमस्ते। पेट में क्या हो रहा है? ओम लक्ष्मी कौस्तु पारिजातक सुराधन। पंडित जी, एक मिनट, मैं आती हूँ। अरे पर आप ऐसे बीच में मंडप छोड़ के कैसे जा सकती हैं? अरे तुमको नहीं पता, उसे कोई जरूरी काम निपटाना होगा। बेटा तुम जाओ। हाँ, और अपना काम निपटा दो। हाँ, तुम ना पहले अपना पे, हमारा मतलब है कि मन मन खाली करके उसके बाद यहाँ बैठो। हाँ। वरुण जी, हमें लगता है दीदों ने रोशनी के साथ कुछ तो गड़बड़ की है, वो यहाँ नहीं है। शक तो मुझे भी है कीर्ति, जब तक अभय की रोशनी से शादी नहीं हो जाती तब तक मेरे मन की आपको शांति नहीं मिलेगी। वादा करते हैं आपसे वरुण जी कि दीदू और अभय से हम बदला लेकर रहेंगे, चैन से जीने नहीं देंगे उन्हें।
चलिए पंडित जी, दुल्हन वापस आ गई है, आप शुरू करिए। हाँ जोड़ के भगवान का ध्यान कीजिए। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी। एक मिनट पंडित जी, हमें दुल्हन का चेहरा देखना है। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है कि इस घूंघट के नीचे जो है ना, वो रोशनी नहीं, हमारी बहन है। मुझे कैसी बात कर रही हैं आप? श्रद्धा यहाँ क्यों बैठेगी? तुम्हारे सवाल का जवाब ना इस घूंघट में बैठी दुल्हन देगी। में करेंगे, पहले शादी हो जाने दो। चलो हाँ सब ठीक है। हे भगवान, आज तो हमें तो लगा कि हम पकड़े गए, पर ये रोशनियां कैसे आ गई? आना तो श्रद्धा को था ना। हो गई तसल्ली भाभी जी, क्या मिला आपको शादी बीच में रोक के? इसे तो बिना बात के तमाशा करने की आदत है। तुम अपनी दीदू के पीछे इतना पड़ गई हो कीर्ति, कि तुम्हें हर जगह आप अपनी दीदू ही नजर आती है। हमें बस लगा कि हमारी बहन हो सकती है। लगा मतलब श्रद्धा यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दुल्हन बन के बैठ गई है। अरे अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ तो अच्छा बोलो। और जितना मैं श्रद्धा को जान पाया हूँ ना, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगी, ना रिश्तों में और ना ही दोस्ती में। धोखा तो मेरे साथ हुआ है और सब कुछ श्रद्धा की वजह से। बस एक बार अभय से शादी हो जाए मेरी, फिर बताती हूँ श्रद्धा को। दे भाई, जो होना था वो हो गया। इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है। आप लोगों की बहस में ना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी, शादी की रस्म दोबारा शुरू कीजिए। हाँ माफ करिएगा पंडित जी, शुरू करिए। श्रद्धा का क्या इरादा है, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाहती है। ओम श्री मत्पंग। पंडित जी एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। अब क्या हो गया? वरुण जी, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें लगता है कि दीदू ना कुछ बहुत बड़ी चाल चल रही है। मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि आखिर श्रद्धा है का। मुझे माफ कर दीजिए अभय, मैं इस तरह से आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। आपका दिल जीतना चाहती थी मैं। अगर आप, अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है मेरे पास। मुझे किसी भी हालत में आपके साथ मंडप में बैठना ही होगा। दीदू ही अभय के साथ मंडप में बैठी हैं, हमें पूरा यकीन है। रुकिए। अब क्या हुआ? हमें ना फिर से दुल्हन का चेहरा देखना है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि ये रोशनी नहीं, हमारी बहन है। अरे तुम क्या तमाशा बना रही हो हमारे बेटे की शादी का? भाभी, तमाशा बनाना इसकी पुरानी आदत है, ये और कुछ नहीं कर सकती। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था ना कि ये रोशनी है, तो फिर
शक काहे कर रही हो? बहुत हो गया, पंडित जी को बहुत बार टोक दिया गया है। पर इस बार हम पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये रोशनी नहीं है, ये हमारी बहनी है। ये तो फिर से यही निकली। ये तो पता नहीं ये दवा का असर अब तक हुआ क्यों नहीं है, पर से ये कीर्ति देर पे देर करी जा रही है। पंडित जी ठीक है, ध्यान करो भगवान का। ओम ब्रह्मा। पंडित जी एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। अरे इसके आने जाने में शादी हो जाएगी। भाभी श्रद्धा ने कोई लंबा खेल सोचा होगा। वैसे भी उसने आज से पहले अपनी किसी भी सौतन को दिखने दिया है भला? भरोसा कीजिए उस पे। अरे पर उसे हमें तो बताना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं कौन है। नहीं, जितना हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आपको पता था हम घूंघट उठाकर देखेंगे, इसलिए पहली दो बार आपने रोशनी को जाने दिया, पर इस बार आप नहीं बचेंगे हमसे। बस भाभी जी बहुत हो गया, आप मेरी होने वाली बीवी का और तमाशा नहीं बना सकती सबके सामने। काम छोड़ो। जो मेरा था मैंने उसे ही वापस लिया है। अब है कानूनी तौर पर हर रीति रिवाजों से मेरे पति। अब अगर एक बार भी तुमने मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे पति पर आंख उठाकर भी नजर डाली ना, श्रद्धा अभय त्रिपाठी का सामना करना होगा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।